बच्चों आज की कक्षा में हम पुनः हमारे व्याकरण के पाठ एक भाषा विचार को वापिस पढ़ते हैं, पुनः अध्ययन करते हैं इसका, क्योंकि पहले जो वीडियो बनाई गई थी उस वीडियो में काफी बच्चों को देखने में परेशानी आई क्योंकि वह वीडियो थोड़ी बड़ी थी, डाउनलोड नहीं हो पाई और बच्चों ने काफी वापिस बताने के लिए कहा है, तो मैं आज भाषा को वापिस समझा रहा हूं और इसे अब छोटे छोटे वीडियो के रूप में आपके पास में वापिस भेज रहा हूं। तो हम समझते हैं भाषा को कि भाषा क्या है। भाषा क्या है? भाषा जब हम किसी के विचारों को पढ़कर, लिखकर, सुनकर, बोलकर और एक दूसरे के विचारों को पहुंचाने का, समझने का जो काम किया जाता है, जो प्रक्रिया होती है, वही भाषा कहलाती है। जिस प्रकार मैं यहां पर जो लिख रहा हूं इसको आप समझ रहे हैं तो यह भाषा का एक रूप है, मैं जो बोल रहा हूं इसे आप सुनकर समझ रहे हैं यह है भाषा का एक रूप है, यही भाषा है, यही भाषा। अब हम देखते हैं कि हमारी हिंदी में भाषा के कितने रूप होते हैं। सबसे पहले तो हमारी हिंदी में भाषा के दो रूप होते हैं। पहला होता है भाषा का लिखित रूप, दूसरा भाषा का मौखिक रूप। भाषा के दो रूप, लिखित रूप और मौखिक रूप में किस किस प्रकार की भाषा आ सकती है। लिखित रूप में जिस भाषा को हम पढ़ सकते हैं, लिखी गई भाषा को, जैसे यहां पे जो लिखा गया है जो आप पढ़ रहे हैं, तो ये भाषा का एक रूप है। एक होता है भाषा को लिखकर, जब हम लिखते हैं, मैं लिख रहा हूं, तो ये भाषा का लिखित रूप कहलाया। एक होता है मौखिक में भाषा को सुनकर, सुनना और भाषा को बोलना, ये भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। लिखित और मौखिक में दो प्रकार के काम होते हैं, लिखित में होता है पढ़ना और लिखना, मौखिक में होता है सुनना और बोलना, तो ये भाषा के दो रूप कहलाए। अब हम देखते हैं कि भाषा के कौशल क्या होते हैं। तो देखिएगा, मैंने पहले भी आपको समझाया था कि सब टॉपिक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो भाषा के कौशल भी इस टॉपिक से ही जुड़ा हुआ है। तो देखिएगा, अंग्रेजी का एक छोटा सा मैं आपको एक फार्मूला देता हूं भाषा के कौशल को याद रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए। चार अक्षर होते हैं, एल, एस, आर, डब्ल्यू। इसका तात्पर्य समझिएगा, एल, एस, आर, डब्ल्यू, ध्यान रखिएगा भाषा के कौशल के अंतर्गत। एल का मतलब होता है लिसनिंग, यानी सुनना। एस का मतलब होता है स्पीकिंग, यानी बोलना। आर का मतलब होता है रीडिंग, यानी पढ़ना। और डब्ल्यू का मतलब होता है राइटिंग, यानी लिखना। यही कर्म भी यही होता है इसका, इसी कर्म में लिखे जाते, इसी कर्म में आपको करना। भाषा के कौशल को इन चार भागों में हम समझ सकते हैं, यानी सबसे पहले हम किसी भाषा को सुनते हैं, सुनकर हम उसको बोलना सीखते हैं, बोलकर हम उसे पढ़ना सीखते हैं, और पढ़ने के बाद में ही हम उसे लिख पाते हैं। तो यह इसका कर्म है, जिसे हम अंग्रेजी की शॉर्ट फॉर्म के रूप में एल, एस, आर, डब्ल्यू के रूप में जान सकते हैं। यही भाषा के कौशल होते हैं। बच्चों, इस छोटी सी वीडियो के बाद में मैं आपको भाषा विचार में पुनः इसके दूसरे रूपों के बारे में समझाता हूं कि भाषा के और दूसरे प्रकरण क्या हो सकते हैं, उसे मैं अगली वीडियो में समझा रहा हूं।